आपली जी ज्याप्रमाणे आपली सगळी सेशन सुरू आहेत, तर याच्यामध्ये आम्ही अनेक विषयांचं वैविध्य आणायचा प्रयत्न करतो. या क्षेत्रातल्या सगळ्या दिग्गज मंडळींना आम्ही तुमच्या समोर सादर करण्याची संधी आम्ही घेतोय, आणि मुख्य म्हणजे ही संधी तुम्हाला सुद्धा आम्ही मिळवून देत आहोत. कारण ह्या सगळ्या मंडळींची नावं अनेकदा आपण पुस्तकांमध्ये बघितलेली असतात, अनेकदा आपण यांच्याबद्दल ऐकलेलं असतं, पण कधी लाईव्ह त्यांना ऐकायची संधी आपल्याला अनेकदा मिळत नाही. तर डिनर टाइम भटकंतीच्या निमित्ताने ही संधी आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देतोय, आणि जेवढं शक्य होईल तेवढी विषयांची व्हरायटी, त्या त्या विषयातले तज्ज्ञ आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येतोय. आणि आजच गिरारोहण क्षेत्रातलं एक अत्यंत ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व आम्ही आज तुमच्या समोर घेऊन आलोय, आणि ते म्हणजे श्री हरीश कपाडिया. खरं तर हे नाव महाराष्ट्रातल्या नाही, भारतातल्या नाही, तर जगातल्या कुठल्याही गिर्यारोहकाला माहिती नसेल असं होणारच नाही. कारण अनेकदा आपल्याला अनेकदा असं असतं की महाराष्ट्रातल्या गिर्यारोहण क्षेत्रापुरतं अनेकदा आपलं कनेक्शन असतं, किंवा भारतातल्या गिर्यारोहण क्षेत्रापुरतं आपलं कनेक्शन असतं, पण हरीश सरांनी ज्या पद्धतीने आपली गिर्यारोहण कारकीर्द एका उंचीवर नेऊन ठेवली आहे, त्याला खरंचच म्हणजे त्याचं वर्णन करायला माझ्याकडे आता शब्द नाही आहेत. आणि खरं सांगायचं झालं तर हरीश सरांच्या सगळ्या ज्या अचीवमेंट्स आहेत, तर त्या सांगण्यासाठी ऍक्च्युली मला आता हातामध्ये कागद घ्यावा लागतोय. कारण जवळपास 60 वर्षांची प्रदीर्घ गिर्यारोहण कारकीर्द या हरीश सरांची आहे. हरीश सर हिमालयन क्लब या अत्यंत श्रेष्ठ आणि गाजलेला जो आपला क्लब आहे त्याचे मेंबर आहेत. 1997 ते 1999 या काळामध्ये हरीश सर इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन या शिखर संस्थेचे व्हाइस प्रेसिडेंट होते. नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आणि जवाहर इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग या दोन्ही माउंटेनियरिंगच्या ज्या इन्स्टिट्यूट आहेत त्याचे ते मेंबर आहेत. सरांना जे आतापर्यंत अवॉर्ड मिळालेले आहेत त्याची जर आपण गणती करायला गेलो तर खरंच आपल्याकडे शब्द कमी पडतील, पण तरी त्यातले जे सगळ्यात महत्वाचे आणि अत्यंत एक मानदंड समजले जाणारे जे अवॉर्ड आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो. 1993 साली सरांना इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशनचं प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे. 2003 साली रॉयल जिओग्राफिकल सोसायटीचं गोल्ड मेडल सरांना मिळालेलं आहे. 2005 साली तेनसिंग नोर्गे नॅशनल अवॉर्ड सरांना प्रदान करण्यात आलेला आहे. 2006 साली किंग अल्बर्ट फर्स्ट माउंटन अवॉर्डही सरांना मिळालेला आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सरांना मिळालेलं आहे ते जगभरातल्या गिर्यारोहकांचं आणि आपल्यासारख्या दुर्ग रसिकांचं, आपल्यासारख्या पर्वत रसिकांचं भरभरून मिळालेलं प्रेम. खरं तर हरीश कपाडिया सरांची इंट्रोडक्शन जर द्यायची झाली तर खरं तर शब्द कमी पडतील, आणि त्यांची एक वेगळी इंट्रोडक्शन तर म्हणजे खरं तर मला द्यायची गरज नाहीये. ट्रेक द सह्याद्रीज हे जे आद्य इंग्रजीमधलं पुस्तक आपण ज्याला म्हणतो तर त्याचे हरीश कपाडिया सर हे सिद्धहस्त लेखक आहेत. आणि खरं तर आज आपण सरांना जे इन्व्हाइट केलेलं आहे ते जगभरातल्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जे गिर्यारोहक आहेत ज्यांच्या बरोबर ज्यांचा सहवास सरांना लाभलेला होता, त्यांच्या बरोबर हरीश सरांना सगळ्या एक्सपिडिशन्स वगैरे करण्याची संधी मिळाली. तर हे गिर्यारोहक कसे होते, त्यांनी स्वतःला गिर्यारोहक म्हणून कसं घडवलं, आणि हरीश सरांच्या आणि त्या गिर्यारोहकांच्या मोहिमांमधले काही किस्से असतील, त्यांच्या काही वैयक्तिक आठवणी असतील, आणि ह्या सगळ्याच्या माध्यमातून आपण या सगळ्या गिर्यारोहकांचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते आपण 2 दिवस उलगडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आज रात्री 9 वाजता आणि उद्या सुद्धा हरीश सर आपल्याबरोबर जॉईन होणार आहेत. सो हरीश सर, वेलकम टू अवर शो. आणि सर्वांना आज फक्त एक सांगायचं म्हणजे डिनर टाइम भटकंतीमध्ये थोडासा असा एक बदल करण्यात आलेला आहे की आजचा आपला हा जो पूर्ण टॉक शो जो आहे तो हिंदी आणि इंग्लिश असा थोडासा मिश्रित असणार आहे, कारण जगभरातला ऑडियन्स आज हा शो बघतोय. सो सर, आय विल कम टू फर्स्ट क्वेश्चन अँड द फर्स्ट लिजेंड फॉर अवर शो. सो द फर्स्ट लिजेंड इज स्टीफन वेनेबल्स, अँड हमारी जब भी स्टीफन वेनेबल्स की बारे में बात हुई थी, सो यू आर हॅविंग सम व्हेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अबाउट हिज टोटल माउंटेनियरिंग करियर. सो वॉट वॉज ऍक्च्युअली अ बॅकग्राऊंड ऑफ द स्टीफन वेनेबल्स, वेअर ही हॅड कम फ्रॉम, और बहुत से बार ऐसा भी होता था की वो इतने फेमस नाही थे माउंटेनियरिंग फील्ड में, even though he was he used to visit the Mumbai for some reason. So what was his background and what were the reasons behind his visits to Mumbai? Hi, you know, Stephen Venables is a very educated and well hushyar aadmi hai. Usne Oxford ke andar apna graduation kiya hai aur uska father ka bada Matthew Nogueville karke ek advertisement firm hai, uske wo chairman the. अभी ये लोग को वो फादर से नहीं करना है कि हम हमारा ही करेंगे, एंड ही वांटेड टू लिव ओनली ऑन माउंटेनियरिंग, कि मैं अपना माउंटेनियरिंग में अपना करियर कर को लिखूंगा, लेक्चर दूंगा, एक्सपीडिशन में जाऊंगा, उसी तरह मैं आगे बढ़ना है. तो उसने उसमें कोई नहीं लिया, फादर से संबंध बहुत अच्छे हैं, बोला कि नहीं हमको हमारा करना है. तो वो हिसाब से उसने चालू किया और शुरुआत में इंग्लैंड के अंदर बहुत रॉक क्लाइंबिंग किया. वहाँ की ऐसी प्रथा होती है कि भाई
इतने सब बाजू बाजू में रॉक्स होते रहते हैं वहाँ, कहीं गए तो तुरंत चढ़ के आ जाते हैं। और फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं कि जो इसके साथ हमेशा ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग रॉक क्लाइंबिंग की खास करके बात होती है। फिर वहां से वो ग्रेजुअली गए आल्प्स के अंदर, वहां से विदिन एक घंटे की फ्लाइट में आप आल्प्स में पहुंच सकते हो। तो वहां उसने काफी सब छोटा मोटा क्लाइंबिंग किया अपने दोस्त लोग के साथ और गुड सीरियस क्लाइंबिंग। पर उसके बाद फिर उसको एक उनका फ्रेंड था वो जो पाकिस्तान एम्बेसी में कराची और बाजू में पोस्टिंग था, तो उसको मिलने वो आते थे और उसके साथ फिर उसने जाके काराकोरम में बहुत क्लाइंबिंग और एक्सपीडिशन चालू किए। तो वो उसने वहां जो एक्सप्लोरेशन किया अलग अलग चीज जो पुराने जमाने के जो बाकी थे और वो सब, तो वो सब वो करके आए हैं। तो वो टाइम फिर वो मुंबई भी आते थे बहुत टाइम, और हमारी ऐसी मुलाकात हुई और हम लोग मुंबई मिले और ये फ्री थे तो मुंबई में रहते थे, तो हमारे साथ सह्याद्री वो सब जगह पे घूमने का उसको आनंद रहता था क्योंकि उसको और कोई काम नहीं था, काम यही करते थे। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमारी दोस्ती कैसे हुई और फिर उसका भी करियर कैसे आगे बढ़ा और हमारे साथ भी उसका कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि वेनाबल के साथ हमारा घनिष्ठ का संबंध है, वो घर में आते जाते रहते और उसका जो भी करियर में हुआ है उसके अंदर भी हम लोग इन्वॉल्व हो गए फॉर्चुनेटली, तो वो हिसाब से मैंने देखा है। ये है अपना स्टीफन वेनाबल्स, इंग्लैंड के वो बहुत प्रख्यात है और उसके लिखा उसकी किताबें भी बहुत है, उसका रिसर्च बहुत करते हैं और एट द सेम टाइम उसने ग्रीनलैंड और आर्कटिक सर्कल में भी बहुत एक्सपीडिशंस में हो गए हैं, वहाँ भी थोड़ा क्लाइंबिंग किया है। ये हमारे घर में है स्टीवन, जब बीच में एक बार आए थे तभी भी, और हमारे घर में वो सबको जानते हैं, हमारा वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के थे तभी भी, तो वेरी फ्रेंडली पर्सन और वो ट्रू ब्रिटिशर। और कभी कभी आपको सब नया लगे ये लोग का, ब्रिटिशर का भी यंग जनरेशन बहुत अलग होती है, समझो कि ये यहाँ पूरा दिन वो सूट बूट पहन के घूमता है और अपने हम लोग तो कभी फॉरेन जाते हैं तो सूट पहन के प्लेन में चढ़ते हैं, तो प्लेन में जाने के पहले पैजामा पहन के आ गया कि भाई प्लेन के अंदर मेरे को सूट का क्या करना है, मैं तो वहाँ प्लेन में जाके सो जाना हूँ, तो चटापटा वाला पैजामा पहन के वो प्लेन में चढ़ गया, जो हम लोग को ऐसा लगे कि नहीं भाई ये तो क्या है अप टू डेट रहना चाहिए, पर वो लोग अप टू डेट बाहर रहते हैं पर अंदर अपना ही वही चलते हैं। सो मुंबई में था तभी हम लोग की यू नो ट्रैकिंग के लिए गए और स्टीफन वेनाबल्स भी मानसून भी हमारे साथ घूम रहा था, तो जगदीश नानावटी है राइट साइड में, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और यहाँ 3-4 दिन घूमते थे और उसको भाषा समझ में नहीं आया मराठी, परंतु थरली मजा करते थे सबके साथ काम वालों से और सब जगह, और सह्याद्री का भी उसने काफी मजा लिया है। किसी कोई टेम्पल में हम लोग रात को रहते थे तो वहां भी वो होता है और बातचीत करने में भी बड़ा होशियार है, तो काफी हमारी बातचीत भी होती थी, तो ओवरऑल वी एंजॉयड अ लॉट इन सह्याद्री विथ हिम। फिर हमारा पहला एक्सपीडिशन आया 1985 में, इंडियन आर्मी वो एक सियाचिन ग्लेशियर करके ऊपर ग्लेशियर है वहां पे आर्मी गई और गवर्नमेंट ने कहा कि वहां जॉइंट एक्सपीडिशन ले जा सकते हो, इंडिया एंड ब्रिटिश हम लोग ने सिलेक्ट किया। सो उसके अंदर में इंग्लिश साइड से स्टीफन वेनाबल्स भी आया, बाकी भी और थे, तो वेनाबल्स के साथ तो हमारा पहले का ही दोस्ती थी। हम लोग फिर यहाँ मुंबई से चले मई महीने में, तो मैंगो आपको आम घेऊ जाना चला, मैंगो लेके हम लोग चले, तो चार चिनार जो फेमस है कश्मीर का वहां बैठ के हम लोग मैंगो खा रहे हैं, तो वो मैंगो भी उसको खाने का सिखाया अलग अलग टेक्निक इस तरह से मैंगो खा सकते हैं, ये चूस के मैंगो खा रहा था तो उसका पूरा शर्ट मैंगो से भर गया। तो हम लोग ने कहा भाई जो हमने घर में ऐसा किया होता तो हमारा मम्मी ने तो हमारा तेल निकाल दिया होता कपड़े धोलाने के लिए, वो तो हंस रहा था कि भाई हमको तो, और वो लोग को वहाँ मैंगोज मिलते नहीं इंग्लैंड के अंदर, तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम कितने मैंगोज खाते हो, तो कि जनरली एक सीजन में एक मैंगो, वो भी पूरा फैमिली के बीच में चीर काप के हर एक को एक एक मिल गई, 10-15 पाउंड का एक मैंगो आता है, तो वो आपको कहाँ से मिले, तो हिसाब से हम लोग काफी नसीब वाले हैं यहाँ मैंगो खा के घूम रहे हैं। वो टाइम सब शांति थी, कश्मीर में कोई टेररिज्म नहीं था, तो शिकारा के अंदर भी घूम रहे हैं, लेफ्ट साइड में वेनाबल्स है और सेंटर में हमारा डेव विल्किंसन और मैं बैठा हूँ, तो इस तरह से धीरे धीरे एक्सपीडिशन स्टार्ट, विच इज यू नो ग्रेट फन, बातचीत होती रहती है, गपशप मारते रहते हैं, थोड़ा टांग भी खींचते हैं दूसरे की और उस हिसाब से मजा करते हैं। फिर हम लोग सीधे सियाचिन से अंदर गए और पहले एक छोटी सी पीक चढ़े, तो वहां से ये पूरा फोटो लिया है,
स्टीवन ने, जिसके अंदर ये पूरा प्लेटो दिखता है, ये जो पूरा प्लेटो है उसको कहते हैं पेराम शहर प्लेटो। ये इट्स अ वेरी यूनिक थिंग दुनिया के अंदर कि 18,000 फीट की हाइट के ऊपर इतना सारा स्नो मिले आपको, राइट, पूरा पैक स्नो, 18 किलोमीटर आप चलते जाओ ऐसे ही यही बर्फ रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा उतना ही, और पीछे आप देखो तो सब एक्सलेंट अलग 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 तरफ की पहाड़ियां दिखेगी, कोई प्लेटो से राइज हो रही है, कोई पीछे से आ रही है। पीछे आप देखोगे तो K2 करके पीक है जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, वो आप पीछे से दिख रही है। तो एरिया की तो और कहानी है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई और वो सब, परंतु हम लोग वही टाइम जा रहे थे और वो टाइम भी सुबह में भी काफी लड़ाई का हमको सुनाई देता था। 84 में लड़ाई चालू हुई और हम लोग 85 में यहाँ पहुंचे थे। तो ये छोटे पिक के ऊपर ये हम लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, उसके हाथ में ग्लाउज और वो सब लेके, और पीछे का पीक देख रहे हैं। और ये वेनेबल्स और एक विक्टर सॉन्डर्स करके हैं, वो दोनों एक रिमो जो है हमारी वो मेन पीक के लिए चढ़ने के लिए निकले। वो बहुत खतरनाक क्लाइम था, पहले हमारा हम लोग 4-5 लोग निकले, खाली वो दो ही बचे, हम लोग तो सब भाग के आ गए, ये बहुत मुश्किल है। तो ये लोगों ने अभी समझो एक टेंट लगाया है रस्ते के ऊपर एकदम डेलिकेटली और रोप बांध के, जो टेंट फिसल गया तो खाली रोप पे टिंगाएगा। तो वो हिसाब से भी इतना सेफ्टी करके वो लोग को जाना पड़ता है ऊपर, बहुत मेहनत का काम था। फिर ऐसे करते करते वो लोग अब 300 फीट समिट के नजदीक में पहुंचे और वहां खोद के वो कहते हैं ना टेंट का प्लेटफॉर्म जैसा बनाया और यहाँ टेंट लगाना है। तो वो टेंट लगाने के लिए वो लोग सब तैयारी कर रहे थे, तो इस तरह से रक्सेक बांध के बैठ रखते हैं उसके पहले, तो अपना वेनेबल्स वो लगाना भूल गया। तो लगाते लगाते उसकी रुकसेक नीचे चली गई पूरी, और पूरी चली गई, उसके साथ उसकी स्लीपिंग बैग गई, उसका चढ़ने का क्रैम्पॉन गया, सामान गया, सब कुछ गया, उसके बाद कुछ नहीं था। तो उसका जो कंपेनियन था विक्टर, वो बड़ा, वो भी एक्सपर्ट था और वेनेबल्स भी एक्सपर्ट है। तो फिर वो दोनों ने जैसे तैसे करके वहां रात को निकाली और सुबह में जा नहीं सकते, वो हिसाब से वापिस आए। इटसेल्फ वो एक बड़ी अजब की बात थी, क्योंकि वो रास्ता पूरा बिना आइसैक्स और क्रैम्पॉन के बगैर उतरना वो बड़ा खतरनाक था। जैसे जैसे करके वो वेनेबल्स और ये सॉन्डर्स वो नीचे आ गए और हमारे साथ सेफली पहुंचे। वो फिर पर ये गिराने की जो उसकी रुकसेक की स्टोरी थी वो पूरा लंदन के अंदर प्रकट हो गई कि भाई वेनेबल्स ने रुकसेक गिराई तब पीक नहीं चढ़े। और उसके मेन कायदा वो हुआ कि पूरा वर्ल्ड को ऐसे मालूम पड़ गया कि भाई ये अभी इंडिया से भी लोग सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं, पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है और ये एरिया इंडिया का है। तो दैट वॉज वेरी मेजर अनाउंसमेंट वेनेबल्स की रुकसेक में गिरने से। तो ये था, ये वही देसी जो कंप्लीट वो स्टोरी के भाई ये जो थी यहाँ पे लोग का स्टैंड लगाया था, यहाँ से रुकसेक सब यहाँ पे गिर गई, ये रास्ता वो लोग चढ़ के गए थे। तो आप सोच सकते हो कि इसी रास्ते से बिना कोई क्रैम्पॉन ग्लाउस के बिगैर वापिस आना कितना खतरनाक होगा। तो बच्चे तो जैसे तैसे आ गए और फिर हमारा टीम के दूसरे दो लोग जाके लेफ्ट की जो पीक है रिमो 3 नंबर की पीक उसको चढ़ के आए। तो एक्सपीडिशन सक्सेसफुल हुआ और आजू बाजू का 5-6 छोटे 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 पीक्स हम लोग ने वो सब चढ़ के भरी कही। तो इस तरह से सेनाबल्स का और हमारा का पूरा एकदम चालू हुआ। फिर वही ट्रिप के अंदर 2-4 दिन के बाद गए तो घर में बैठने वाला था नहीं, तो वापिस अपना टेंट लेके अकेला चला गया। एक वहां दूसरी ग्लेशियर थी साउथ रिमो ग्लेशियर, और वहां अपना तंबू लगा के अकेला बैठा और वहां से जो पीछे दिख रही है वो पीक चढ़ गया अकेला धीरे धीरे जाके। और ये एक समिट के ऊपर ये उसका ये फोटोग्राफ है। ये लोग में कुछ जोश रहता है यार, स्टीफन वेनेबल्स में भी आपको लगे कि भाई ताकत है, इच्छा है और बहुत आनंद है उसको जाने के लिए। तो वो हिसाब से वो इतना ये लोग सब कर सकते हैं। पर वापिस आने के टाइम वही ग्लेशियर में नीचे नदी थी तैरोंग नदी, उसमें बहुत पूर आया, फिर पानी पिघलता गया, बर्फ बर्फ पिघलता गया, पानी ज्यादा बढ़ता है और इतना तूफान में था कि अभी इसके अंदर तो पाउंड रखो तो भी आपको उठा के ले जाएगा। सो देर वॉज नो पॉइंट वी कुड क्रॉस दिस रिवर, आते टाइम तो निकल गए थे। सो फिर उसके लिए भी बहुत मेहनत लगी और रोप लगा के ऐसे भी ऊपर नीचे 2-4 बार जाना पड़ा, ये रोप आदमी के बदले सामान रख के उसको भी ऊपर नीचे करो, और वो सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड झमेला हो गया। माउंटेन क्लाइंबिंग या तो वहां आने के ज्यादा प्रॉब्लम ये रिवर का था, रिवर से किसी तरह का भी खतरा नहीं ले सकते, बहुत एक्सीडेंट्स और बहुत लोग मरे हैं रिवर के अंदर, तो वो रिवर को संभालना बहुत जरूरी होता है।
तो एक स्ट्रेट जगह पर ऊपर इतना बड़ा रॉक के ऊपर पतला सा रोप लगाया और रोप से ऊपर नीचे पांच छह बार जाके सब सामान लेके हम लोग सब ये बाजू पे आ गए। तो इस तरह से अलग अलग करके हर एक एक्सपीरियंस के अंदर वो अपना अपना मस्ती रहती है और उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए अच्छी टीम होना और माउंटेनियर जैसे बर्नाबल जैसे एक्सेलेंट लोग होगा अपने साथ फर्क पड़ता है। उसके बाद भी फिर वापस रिवर्टेड ऊपर ये हमारी लेडर्स लगाई और पूरा सामान और हम लोग पूरा ये आधा दिन लगता है ऊपर नीचे करने को। लेडर ज्वाइंट से भी थोड़ी नीचे हो जाती है फिर वो आप जाओ तो नीचे इतनी जाती है कि आपको ऑलमोस्ट पानी को टच करना हो जाता है। काफी धैर्य से और यू नो विद गुड कंसंट्रेशन और डरे बिगर को जाना पड़ता है नहीं गड़बड़ हो जाए। अच्छा विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक्चुअली 1988 में स्टीफन विनेबल हैज प्लान्ड हैड प्लान्ड द माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन और उसका जो रूट था वो इनक्रेडिबली चैलेंजिंग रूट था। सो आप उसके बारे में क्या बताएंगे हाउ डिड ही क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। वेल माउंट एवरेस्ट में क्या है कि बहुत अलग अलग रूट है और काफी रूट से वो चढ़े गए तो वो उसका फिर जो अमुक नॉर्मल रूट से आप चढ़ो तो 1988 में भी कुछ उसका वो मजा नहीं थी वो हिसाब से समझो कि ये नॉर्मल रूट से आके सब यहाँ से अभी चढ़ते हैं एवरेस्ट आजकल तो वो उससे रोस्ते बहुत क्लाइम हो गया वेनेबल्स और एक तीन अमेरिकन वो लोग ने प्लान किया तो माउंटेनिंग में कहते वाया कांगशुंग फेस ये नया रास्ता है इसमें तब कोई नहीं चढ़ा था और सीधा ईस्ट फेस में पूर्व की तरफ तो जैसे सन उठता है उसी के ऊपर जोरदार सन आता है और गर्मी आती है तो वहां एवेलांच बर्फ गिरने का बहुत चांस रहता है वो हिसाब से वो पूरा टूटा हुआ और बड़ा खतरे का रास्ता होता है। बट स्टिल वो लोग को तो कुछ नया करना था तो ये चार लोग वहां पहुंचे फिर एक आदमी नीचे बैठ गया अमेरिकन क्लाइंबर और ये लोग तीन क्लाइंबर्स एक ब्रिटिश और दो अमेरिकन वेनेबल्स के साथ वो लोग ऊपर चले। तो ये है कांगशुंग फेस पूरा ये नीचे से ऊपर तक और आप देखोगे उसका सीधा है इसको इसे जाना है इसे राइट लेफ्ट ऐसा घूम के और ये कहते हैं साउथ कॉल जहां से वो वहां का रास्ता नेपाल का और या तिब्बत का दोनों मिल जाते हैं और यहाँ से फिर ऊपर जाना है आपको समिट के ऊपर। तो ये था एकदम वो अपना खतरनाक रास्ता जी ये लोग ने अडोप्ट किया और आप देखेंगे उसके अंदर काफी मेहनत करनी पड़ी बीच में समझो क्रेवास आई बड़ी तो एक बाजू से नीचे उतर के ये साइड से पूरा धीरे 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 रस्सी लगा के ऐसे ऊपर चढ़े और ये जो रोप लग गई फिर हरे लोग बाकी के लोग उसको पकड़ पकड़ के ऊपर आएंगे। तो ये करना भी इटसेल्फ एक बहुत मेहनत की काम है और फिर उसके ऊपर भी जो था पूरा खड्डे के ऊपर फिर रस्सी लगाई और ऐसा लटक के नीचे आना है और इसके अंदर ऊपर भी समझो आप रस्सी से नीचे देखो तो नहीं तो 1-1.5 फीट के नीचे खाई है दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। खास करके टेक्निक तो होनी चाहिए इक्विपमेंट होना चाहिए और साथ में फिगर होनी चाहिए जरा भी जो आप डर गए बीच में रह गए तो फिर ना आगे का नहीं पीछे दोनों बाजू से रह जाते तो वो सब करने के लिए पूरी ट्रेनिंग और ओरिजिनल जिगर चाहिए आप में कि जो एल्क में था ये भी आप देख सकते हो कि पीछे इतना ग्लेशियर है बीच में एक क्रेवास है और क्रेवास के ऊपर से ये वेनेबल्स और उसके कंपेनियन तब ये क्रैश हो रहे हैं। तो ये धीरे 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 क्रॉस करके ये लोग आए और फिर वहां से दूसरे दिन सब कंपेनियन बैठ गए और अकेला स्टीफन वेनेबल्स समिट पे गया एवरेस्ट की अकेला और वो भी लेट इवनिंग को पहुंचा 6-7 बजे और वो इतना थक गया था तो उसके पास कोई ताकत ही नहीं थी तो अपने खीसे के अंदर ये उसके पास दो थे पैकेट्स ब्लेसिंग जो हमारे बच्चों ने उसको दिए थे सोनम और नवांग ने तो वो उसने वहां पे रखे और इसी का फोटो लिया तो ये एक ही पिक्चर है उसके पास जो समिट का हो गया। तो वो हिसाब से फिर उसको धीरे धीरे लेके वापिस खीसे में डाला और आके समिट से एक समझो के 300 फीट नीचे ही पूरा रात बैठा इसे पूरा रात एवरेस्ट के ऊपर बैठना यानी -50-60 डिग्री और लकीली उस दिन रात को बहुत हवा नहीं थी नहीं था तो 100% मर जाता था तो पूरा रात वहां बैठा रहा। पर एक मेन बात है कि वो जो पैकेट उसको दिए थे सोनम और नवांग ने वो आपने शायद सुना होगा पौंडीचेरी में श्री अरविंदो आश्रम है अरविंदो आश्रम में जाके जो भी समाधि के ऊपर फूल चढ़ाते हैं वो लोग सूखे हुए फूल इकट्ठे करके स्मॉल स्मॉल पैकेट बना के ब्लेसिंग्स करके आशीर्वाद करके हर एक को भेजते हैं। तो हमारे घर में भी ये दो थे और उसके ऊपर एक श्री अरविंदो का फोटो था और वो उसने
नवांग ने सोना स्टीफन को दिया, स्टीफन ने खीसे में डाल दिया, उसने कुछ देखा भी नहीं, समझता भी नहीं, और ऐसे ही लेके ऊपर गया, फिर समिट में रख के यहाँ रात को बैठा, और फिर अपनी किताब में उसने लिखा, आने के बाद हमको बताया, जैसे मैं समिट से नीचे उतरा तो एक बाजू बॉडी खाई थी टिबेट की, एक बाजू यदि कॉन्स्टेंट एक दाढ़ी वाला ओल्ड मैन मेरे को धीरे धीरे रास्ता दिखा रहा था, और मैं जरा भी राइट को जाओ तो ओल्ड मैन मेरे को कहेगा नहीं तो वो बाजू जा। फिर रात को मैं यहाँ ही बैठा बैठा मैंने पूरी रात निकाली, तो रात भर वो ओल्ड मैन ने मेरा ख्याल किया, मेरे से बात करता रहा कि आपको सोना नहीं है, आपको ये मेहनत करना है, कॉन्स्टेंटली ओल्ड मैन मेरा कंपेनियन था, कि आई डोंट नो कौन था वो और क्या था वो, और ये ओल्ड मैन से मेरे को पूरी प्रेरणा मिली। और सुबह में फिर जैसे मैं मरते मरते नीचे आया तो मेरे को आया, और ये इज द ओल्ड मैन श्री अरबिंदो, इसके पास ये पैकेट में ये पैकेट था, उसके ऊपर श्री अरबिंदो की ये छवि थी, तो श्री अरबिंदो का यू नो प्रेरणा और पावर से अभी हम लोग को तो कहो तो के पागलपन है, कैसा हो सकता है, ये सच्चा है कि नहीं, परंतु इसने किताब में लिखा है कि उसको कॉन्स्टेंटली, ये उसको जानता भी नहीं था, अभी भी शायद नहीं जानता होगा श्री अरबिंदो कौन है, हम लोग थोड़ा बहुत बताया, परंतु ये खाली फोटो और ऐसे ही पावर से अंदर से दिल से होके अरबिंदो ने पूरा रात भर उसको गाइड किया, और वो धीरे 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 नीचे सेफ्टी से नीचे आया। जैसे ही बम्बई आया तो उसका हालत बहुत खराब थी, क्योंकि पांव के अंदर बहुत फ्रॉस्टबाइट हो गए थे और एक काले काले टोज हो गए थे, उसको बांस मारता था, तो मैं तो नहीं था, मैंने गीता ने उसको पकड़ा के भाई क्या है ऐसी चीज, क्योंकि ये पहले मेरे को बोली हु इज दिस ओल्ड मैन, वो कौन था, तो फिर गीता ने उसको पूरी स्टोरी सुनाई कि भी श्री अरबिंदो आश्रम है, वहाँ का ये ब्लेसिंग्स है, और आपको ये मिलता है, ताकि सरप्राइज एक इनक्रेडिबल, कि हम लोग तो ऐसे वेस्ट में ऐसे मानते नहीं है, पर ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि भाई ये ओल्ड मैन ने मेरे को गाइड किया। पर गीता ने कहा वो सब ठीक है, पर तेरा पाँव इतने बांस मार रहे बम्बई की गर्मी में, कि तो अभी का भी लंदन जा, या तो अभी का भी मैं तेरे को हॉस्पिटल में डाल दिया, नहीं 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 मैं लंदन जाता, तो उसी रात फिर वहां से लंदन जाने निकल गया। तो दिस इज वेरी केम साउथ पोल के ऊपर, और वहाँ उसका एक्सपीडिशन और एवरेस्ट चढ़ने के बाद वो यहाँ आके अपना कंपेनियन को मिला और ओल्ड मैन चले गए। अवे नाउ विच वन इज द नेक्स्ट सर, उन्होंने इंडिया में एक एक्सपीडिशन प्लान की थी, और वो एक्सपीडिशन थी पंचशुली ग्लेशियर की एक्सपीडिशन, सो उनके साथ उनके कंपेनियन वो एक्सपीडिशन के लिए कौन थे, और वो एक्सपीडिशन का रिजल्ट क्या निकला? ओके, सो पंचशुली का एक्सपीडिशन जो था वो यू नो हमारा बॉम्बे का टीम, हमारे साथ ही उसकी दोस्ती थी, क्योंकि वो सबसे पहले ही हमारे पास ही आया था, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे अभी दबाए थे, तो उसने वो जो पूरा हमारे साथ हुआ, तो वो टाइम उसके साथ क्रिस बॉनिंगटन एंड बाकी के भी लोग आए थे, सो इज अ रिजल्ट आप देखो राइट साइड में बॉनिंगटन खड़ा है और वेनेबल्स, तो हम लोग ने बम्बे के हम लोग चार छह लोग थे, और इंग्लैंड के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े चढ़ने वाले चार छह लोग थे, तो सब मिला के हम लोग अबाउट 12 आदमी की टोटली टीम थी, और हम लोग ने डिसाइड किया पंचचुली करके एक पांच पीक्स है, पांच पीक का ग्रुप है कुमाऊं के अंदर मनशारी और ये हिमालय में, वो हम लोग ने जाने का सोचा था, और उसके लिए हम लोग ने पूरी तैयारी की। ये है पंचचुली की पांच पीक, ये जो साइड में दिख रही है वो उसकी सबसे ऊंची पीक है, अबाउट 6,900 मीटर, तो फिर पीक नंबर 2, 3, 4 और ये 5 पीक ये है, तो ये पांचवी पीक भी अनक्लाइम थी कम्प्लीटली, ये दो बार में एक ही बार लोग चढ़े गए थे, तो हमारा डबल प्लान था कि भाई जाके पहले वो बाजू की पीक चढ़े और फिर वहां से जाएंगे, तो पहले तो उसके ऊपर जाके हम लोग बैठे, तो वहां एक राज रंभा करके पीक है, तो वो चढ़ने लगे और वो चार पांच लोग चढ़ गए, पीछे पंचचुले दिख रही है, तो ये एक स्ट्रेट रूप से हम लोग चढ़े और ये एक यहाँ का रूप चढ़े, और ऐसा प्लान था कि हम सब लोग ऊपर मिलेंगे, पर तो वो नहीं हो सका, क्योंकि ये जो भाई रूट वाले आ रहे थे उसमें बॉनिंगटन को हेडेक हो गया, तो ऊपर ये लोग एक दिन लेट आए, तो हम लोग तो चढ़ के उतर आए, पर तो भी सब लोग सेफ आ गए, तो ये राज रंभा के ऊपर ये जा रहे हैं, और पीछे आपको पूरा पंचचुली का पहाड़ दिख रहा है, जो एक एक ये धार पकड़ के समिट पे जाते हैं, सो राइट लेफ्ट सब अलग अलग रूट है, अलग अलग नाम होते हैं, और सब टेक्निकली भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि किसका क्या है, तो वहां से ये राज रंभा के टॉप के ऊपर ये लोग बैठे हैं, लेफ्ट में वेनेबल्स है ये, और उसके बाकी में संभागी कंपेनियन। इसमें भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो झंडा लेके जो पोल है ना वो एल्यूमिनियम का पोल था टेंट का,
वो खुल नहीं रहा था, जब इतना बड़ा पोल लेके उसको चलना पड़ा, तो बड़ा पोल लेके चलो तो सुबह में हिमालय में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है हवा में, तो ये चलते जाए तो इलेक्ट्रिसिटी है, पोल से भी उसको धीरे 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 छोटा झटका लगे, तो वो मस्ती में लगता है पर मस्त भी काफी मेहनत का काम था वो, कि वो थोड़ा इलेक्ट्रोफाइड पोल के साथ आगे आगे घूमना, पर वो भी वो लोग ने बहुत मजे से अच्छी तरह से लिखा है ना। अभी हम लोग वहां से जो पंचशुली का मेन पीक में जाना था, तो बालाती करके ग्लेशियर है बालाती, और दिस इज द बिग आइसफॉल ऑफ बालाती हमारे सामने, ये बहुत डेंजरस है, इसके अंदर तो नहीं जा सकते, क्या राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है, तो हम लोग ने दो चार दिन तक वो सब पूरा रेकी करने में निकाले, ढूंढने में कि भाई कौन सा रास्ता अच्छा है, कैसे जाएंगे, क्योंकि इसमें पोर्टर्स भी आएंगे, हम लोग भी जाएंगे, और 5-6 बार ऊपर नीचे होना है, तो ऐसे ही तो पागली तरह नहीं जा सकते। फाइनली हम लोग ने इतना डिस्कशन के बाद लेफ्ट साइड से रास्ता निकाला जो बहुत खतरनाक था, इसमें काफी रस्सी वस्सी लगा के और चढ़ के, और फिक्स स्लोप कहते हैं वो लगा के पूरा चढ़ना पड़े, और इसके अंदर आप सोचो कि पूरा ऊपर नीचे 5-6 बार जो करना पड़े पोर्टर्सों के साथ, तो कितना मुश्किल हो जाए। फिर ऊपर जाके हम लोग ने टेंट लगा के बैठे, तो वहां पे बैठा, और ये जब नीचे थे आइसफॉल के पास, तो तभी वो क्रिस मॉनिंगटन और वेनेबल्स वो लोग लीडर थे, तो उसने आज हमें कहा कि एक प्रॉब्लम है हरीश, क्या हो गया, कि भाई हमारे जो यंग ब्रिटिश माउंटेनर्स जो है वो लोग ऐसा मानते हैं कि पोर्टर्स से सामान नहीं उठाना चाहिए, अपने को खुद ही उठाना चाहिए, वो ठीक है, पर बाकी ये पोर्टर्स भी है, पोर्टर जैसे नहीं हमारा दोस्त है, हम उसको बहुत सालों से जानते हैं और हम लोग उसको ट्रीटमेंट भी अच्छी दे रहे हैं, हमारे साथ ही खाना खाते हैं, नहीं 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 हमको ऐसे ही बस ऐसा हमारा है कि भाई पोर्टर से सामान नहीं उठाना है, तो ठीक है तो आप अपना करो तो हम हमारा करेंगे, हम लोग को पोर्टरों का सामान की इच्छा है तो हम हमारा करेंगे आप करो, तो वो हिसाब से टोटली हमारे पास 8 पोर्टर थे, 4 उनके लिए 4 हमारे, उनको नहीं चाहिए तो 8-8 पोर्टर हमें मिल गए, हम लोग तो एक ही दिन में पूरा सब सामान लेके ऊपर जाके तंबू लगा के आलीशान शांति से बैठ गए, खाना पीना और डोर में चालू और किचन लगा दी, तो ये लोग रोज ऊपर आवे, 2-4 चीज रखे वापिस आवे ऊपर जाए 5 आए, ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, पर बस अपना वो आपके लिए। फिर 5वें दिन आके ऊपर आके वो लोग ने हमारे आजू बाजू में सब तंबू लगाए और बैठ गए, तो ये लोग खाना पीने में अपना ही चीज और बिस्किट और वही सब खाते हैं, वो भी एक दूसरे को भी नहीं देंगे, तो 4 आदमी तो अपना अपना ही पका के वो लोग खाएंगे, उनका ऐसा कल्चर है पूरा, तो ऐसा ही उनका चालू रहा। और फिर हमारे दोपहर तक शाम तक हमारा जो स्कूटर था हरसिंह वो आया, क्योंकि साहब ये अंग्रेज लोग अपना दाल चावल मांग रहे हैं, भात मांग रहे हैं, तो वह 1 मिनट उसको देना तो पड़ेगा, टीम अपनी है और जरा उसको इधर भेज, थोड़ी मस्ती करते हैं उसकी। तो विक्टर सॉन्डर्स और वेनेबल सिंह आए कि हरीश हम लोग थोड़ा कैन वी हैव सम दाल एंड राइस, वो जरूर खाओ दाल और राइस, मुझे तकलीफ नहीं है, पर उसमें याद रखना पोर्टर का पसीना है, पोर्टर का खून पसीना अंदर है, आपको पसंद नहीं है तो कैसे चलेगा, नहीं 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 फॉरगेट खून पसीना यार, हमको तो अभी तो दाल चावल दो, तो ऐसा नहीं आप पहले मेरे को टेप में रिकॉर्ड करो कि आपके ब्रिटिश स्टाइल से हमारी इंडियन स्टाइल बहुत अच्छी है, तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग पोर्टरों का खाना खाएंगे, मुझे रिकॉर्ड करके दिया और वो रिकॉर्ड में वो भी लिखा गया, अभी समिट तक मेरे लिए चाय की दुकान लगाओ, हम जाएंगे ऊपर उसके अंदर, तो इसी तरह से भी बहुत मस्ती मजाक चलती है एक दूसरे के साथ, और दे ऑल्सो लाइक वेरी प्राउड इंडियंस के भाई हम लोग भी खुशी से ताकत से उसके साथ बात कर रहे हैं। तो फिर वहाँ ही वो एरिया के अंदर काफी खतरनाक आइटम थी, ऊपर नीचे घूमते खिमते फिर धीरे 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 उस पीक के समिट पे हम लोग पहुंचे, हमारा रूट से और वो लोग दूसरे रूट से आने वाले थे और उसमें वो लेट हो गए, तो वो हिसाब से हमारे पंचचुली का तो क्लाइम हो गया। फिर नीचे आए हम लोग और बेस कैंप पे, ऊपर तो हमारे पास 9 दिन एक्स्ट्रा थे, हमारा काम जरा जल्दी हो गया था, तो हम लोग ने किसी ने सजेस्ट किया कि भाई इसी बाजू की वैली में जो जाएंगे तो आप पंचचुली 5 नंबर करके पंचचुली 5 एक पीक है कि जो चढ़ी नहीं गई अभी तक कभी, वो भी 6,500 फीट की है मीटर की, तो वहां जाते हैं। तो हम लोग ने पूरा एक्सपेडिशन को वहां पे शिफ्ट किया कंप्लीट, तो वहां जाने के लिए हमारे पास एक ही गाइड था धन सिंह करके, और धन सिंह कहते हैं हाँ मैं तो वहां गया हूँ बहुत टाइम गया, फिर पता चला जैसे गच्चे के वो बहुत टाइम गया था 12 साल पहले, अभी का रास्ता उसको कुछ मालूम ही नहीं था, तो चारों ओर धन सिंह हमको जंगल में इधर उधर, और अंग्रेज लोग भी सब अपसेट ही होते जाते थे, और गांधी सिंह बोले आपको बकरी मिलेगी खाना खाओ,
तो अंग्रेजी फिर बहुत गुस्से हो गए के बाद देयर इज नो गोट्स हियर, अभी क्या धान सिंह को भाई काट के खाया गया, तो नहीं नहीं भाई शांति रख, गजान सिंह रास्ता निकालेगा। तो अल्टीमेटली फिर इधर उधर घूमते 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 बेस कैंप तक पहुंच गए। तो वहां से एक टीम, अंग्रेजों की टीम बड़ी छोटी, 3-4 दिन के लिए खाली समिट पे जाने के लिए वो लोग पूरा निकले। उनकी पीक ये थी पीक 5, ये जो माउंटेनियरिंग करते हैं वो लोग को पता चलेगा काफी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सब रॉक के ऊपर जाना है और बहुत मिक्स क्लाइंबिंग इसको बोलते हैं, रॉक एंड आइस टूगेदर, तो बहुत डेंजरस होता है। तो ये लोग निकले 4 आदमी, तो उसमें से अंदर नीचे एक फॉल पे पहुंचे, तो वहां जो लास्ट कैंप लगाया तो बॉनिंगटन ने कहा मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं बुढ़ा भी हूँ तो मैं यही रह जाता। तो बॉनिंगटन रह गया और ये स्टीफन वेनेबल्स, एक स्टीव सुस्टर और विक्टर सॉन्डर्स, वो 3 मिलियन के बहुत बड़े खिलाने वाले थे, वो लोग समिट पे चले। धीरे 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 करके रात को 10-10:30 बजे समिट पे पहुंचे। वापिस आते टाइम वो लोग रोप पकड़ के रैपलिंग जो कहते हैं वो करके धीरे धीरे नीचे आते हैं, और वो आने में जब लास्ट रैपलिंग का जो पिटोन का खिला लगाया था वो निकल गया और वेनेबल्स गिरा, उसमें ऊपर नीचे टंबल खाते 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 मार खाते खाते नीचे आया। लकी लिए बाकी के 2 इतने एक्सपर्ट थे कि वो लोग ने उसको रोक लिया, नहीं उस दिन वेनेबल्स का बचने का कोई चांस नहीं था। वो लोग उसको रोका, पर वेनेबल्स ने काफी मार खा चुका था, तो उसके धीरे से यहाँ पे टेंट के आजू बाजू लोगों को बिठाया, और यू कैन सी ये वेनेबल्स जब ऊपर जा रहा था उसका ये पूरी चढ़ाई का फोटो है, और यहाँ से वो गिरा। अभी आप देखोगे ये स्लोप के अंदर वो गिर गया है, नीचे वेनेबल्स है और ये ऊपर से उसको पकड़ के ये इतना बड़ा स्लोप पे वो धीरे धीरे उसको उतार रहा है। बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि भाई वेनेबल्स का एक घुटन, राइट घुटन टूट गए और लेफ्ट का एंकल टूट गया, कंप्लीटली चल नहीं पाए, कंप्लीटली बेकार हो गया, टोटली पेन में। इसके अंदर फिर उसको कैसे नीचे ले आना, वो ये लकीली उसके सब वो 2 कंपेनियन एकदम एक्सपर्ट थे, आल्प्स के यू नो रेस्क्यू के, और ये सब बड़े एक्सपर्ट थे, तो हिसाब से वो बच सका। तो फिर धीरे धीरे करके उसको नीचे नीचे उतारा थोड़ा, और ये स्टीवन का फोटो है, और ये इसको ये रोप से अलग 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 करके हम लोग उसको नीचे रहा था। अभी करते करते 1-2 दिन हो गया, और वहां पे फिर सामान खाना पीना वो भी सब तकलीफ थी। तो क्रिस मॉनिटर नीचे आया और मुझे बताया कि भाई ये गिर गया है, हम लोग जाके उसका रेस्क्यू की चालू की हेलीकॉप्टर के लिए अरेंजमेंट करने के लिए। तो ये करके फिर ये देखो इस तरह से उसको रखेगा, 2-4 घंटा ऐसा ही खड़ा रहेगा, फिर ऊपर से नीचे लाना है नहीं करना है, और नेचुरली उसका एक घुटन और एंकल टूट गया तो वही चिल्लाएगा, बहुत तकलीफ में होगा। तो ये भी एक पूरा गजब की चीज थी। फिर मौसम थोड़ी खराब हो गई, उसमें उसको नीचे ला रहे हैं, और ये उसको कभी उल्टा करके भी गैरेज के अंदर से पूरा उसको नीचे निकाला। सो अलग 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 तरीके से ये सब वेनेबल्स को लाए, एंड इट वाज वन ऑफ द मेजर मोस्ट मेजर रेस्क्यू इन हिमालय। अभी तक इतना सालों के अंदर ऐसा किसी को बचा के नहीं लाया, और ये आप देखो कितना खून बहेगा बर्फ के ऊपर, पूरा खून ही खून है, परंतु अभी इसको नीचे तो लाना ही है। तो वो हिसाब से उसको जाके फिर वहां पे एक जगह पे फिर बहुत पहुंच गए, तो टेंट लगा के उसको बिठाया, तो टेंट लगा के बिठाया, और बाहर दैट टाइम हम लोग ने हेलीकॉप्टर को नीचे से खबरदार किया था, तो हेलीकॉप्टर आया, और 2-3 दिन तक हेलीकॉप्टर को जगह ही नहीं मिले, ये कहाँ पर है वेनेबल्स का टेंट इतना बड़ा पहाड़ों में। तो लास्ट डे फिर आया था, हम लोग ने बोला कि भाई बॉनिंगटन को जगह मालूम है तो आपके साथ हेलीकॉप्टर में आएगा। लकीली उसके पहले ही हेलीकॉप्टर वहां आया, और इसने देखा तो उसने सब लोग को बाजू कर दिए, टेंट को फ्लैट किए, और हेलीकॉप्टर को हवा में रख के, आप देख सकते हो एक ही स्की उसने लैंड किया है, दूसरा स्की हवा में, और यहाँ राइट साइड का जो आप देखोगे तो ये जो है पूरा खाली बर्फ से 1-2 फुट अलग है, वो जो टच हो गया तो पूरा हेलीकॉप्टर गिरेगा, पायलट वेनेबल सब लोग खत्म हो जाएंगे, और ये सब हो रहा है 22,000 फीट के आसपास। तो लकीली वो हेलीकॉप्टर पायलट ने एकदम उसको स्टडी किया, और ये वेनेबल से स्की के ऊपर चढ़ा, दरवाजा खोल के उसको उठा के चिल्लाता हुआ वेनेबल्स को अंदर ले लिया, और हेलीकॉप्टर निकल गया। तो वो हिसाब से वेनेबल्स बच गया, क्योंकि फिर वो हेलीकॉप्टर जब मनशारी को आया तो हम लोग तो ये यू नो देख के चकित हो गए कि भाई वेनेबल्स बच के आ गया है। सो वी हैड अ गुड गुड लॉन्ग टॉक विद हिम, उसका पांव पे भी फिर ड्रेसिंग किया, ये बिठाया, और हम लोग बहुत चिंता में थे कि भाई इसको क्या हो गया कंप्लीट करके। तो इट वॉज वन ऑफ द ग्रेट रेस्क्यू
वेनाबल्स को बचा के लाए, और उसके 1992 में ही हुआ। फिर वेनाबल्स को भी एक कम से कम 2 साल तक तो उसको क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी और ये ऑपरेशन तो सब काफी करना पड़ा इंग्लैंड में। पर अभी आप लोग कहते हैं कैसे ये है कि भाई इसको ये जब भी आप देखो तो उसके जिंदगी में पहले रुख से गुराई, फिर वो एवरेस्ट के अंदर फ्रॉस्टबाइट हो गया और ये अभी ये टांग टूट गई, पर तो भी माउंटेनियरिंग नहीं छोड़ना है, उसको चढ़ना ही है। तो अभी भी वो थोड़ा घूमता है, फिरता है, चलता है, सब कुछ करता है। तो यहाँ पे उसका भी हम लोग ने स्प्लिट लगाया, उसको पेनफुल लगाया, और उसकी स्पिरिट अभी भी हाई थी कि भाई नहीं कैसे है, सब क्या है, कैसे करना है, वो करके वो धीरे 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 करके उसको आगे लाए। तो अभी भी है उसका ये अभी रिसेंट फोटोग्राफ है जो स्कॉटलैंड में रहता है और वहां पे बैठ के ये कम्प्लीटली वो देख रहा है करके। तो ये थी पूरी वेनाबल्स की स्टोरी। और मुंबई में आया उसके बाद तो फिर एकदम हम लोगों ने उसका पूरा रिकॉर्डिंग किया रखा, और फिर भी हमारा वो फ्रेंड है तो वो भी तो उसके साथ वो पूरा चलता है। चुंबी वैली में देयर इज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड यातुंग। यातुंग विलेज से वो जब यंग था तभी वहां से आया और पास क्रॉस करके झेलपला पास क्रॉस करके आ गया। वहां यंग हस्बैंड का एक बड़ा एक्सपीडिशन भी गया था